जब 2016 में मैंने मराठी फिल्म सायराट देखी थी तो आई वॉज टोटली ब्लोन अवे बाई द परफॉर्मेंसेज द ग्रेट म्यूजिक द अनएक्सपेक्टेड ट्रीट दैट आई गॉट टू सी ऑन द स्क्रीन एंड ऑफकोर्स आई थिंक सायराट को जितना भी प्यार और सक्सेस मिली थी इट टोटली डिजर्व इट 2017 में इस फिल्म के दो रीमेक्स बने एक पंजाबी और एक कन्नड़ आई एम नॉट श्योर इफ अ लॉट ऑफ यू नो अबाउट इट बट अब 2018 में इसकी हिंदी रीमेक आई है जिसका नाम है धड़क और इसको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी और हाइप मिली है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो क्या धड़क इन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी है वेल इट्स टाइम टू फाइंड आउट बीइंग द ऑफिशियल रीमेक धड़क इज फ्रेम टू फ्रेम कॉपी ऑफ सायराट हाँ लोकेशंस और लोग चेंज कर दिए गए हैं एंड दैट बिलीव मी मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द लीड पेयर ऑफ द फिल्म ईशान खट्टर और जानवी कपूर मधुकर और पार्थवी के रोल्स के लिए दे हैव द राइट एज the right vulnerability and the innocence to pull it off. But when it comes to acting chops, Ishaan is clearly the chip of the old block. Unki acting sanjeeda aur sulji hui hai. Jabki Janhvi shows promise in many scenes. But she has a long way to go when it comes to emotions, comedy and of course dialogue delivery. Aapko yaad hai wo dialogue jo trailer mein dikhate hai? Puppy, yani kutte ka chota bachcha, when wo dialogue comes like very fake. But the good part is that जानवी में आपको कहीं ना कहीं भले छोटी सी ही सही श्रीदेवी और उनकी एक्टिंग की एक झलक ज़रूर नज़र आएगी बट बोथ ऑफ देम हैव अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस टोटली लाइक स्टार मटेरियल बट इन दिस केस आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग बिकॉज यहाँ पर इन दोनों को वल्नरेबल ज़्यादा दिखना और स्टार कम बट द सेम टाइम आई वुडंट कंप्लेन मच अबाउट द स्टार प्रेजेंस बिकॉज दैट्स वॉट दे कम विद But the one who really takes the cake when it comes to acting for me is Ashutosh Rana. He's unforgiving and deliciously dangerous. Dhadak's cinematography is A1 by Vishnu Rao. Udaipur ko shayad hi pehle kisi film mein itni khoobsurti se dikhaya gaya hoga. It looks stunning on the big. Dhadak ka music bhi Sairat ki ditto copy hai. Which also is not a very good thing because Sairat ka music bahut zyada popular hai aur us language mein bahut zyada chala hai. Isko usi tune pe अजय अतुल ने नए हिंदी के लिरिक्स डाल दिए हैं बट स्टिल स्टैंड अलोन इट काइंड ऑफ वर्क्स द पिक्चराइजेशन ऑफ दीज सॉन्ग्स इज रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी स्टाइलिश एंड प्योर एट 137 मिनट्स धड़क इज जस्ट द राइट लेंथ इट फ्लोस सीमलेसली एंड एफर्टलेसली डायरेक्शन वाइज शशांक खेतान इज नोन टू रीमेक लव स्टोरीज दैट आर क्लासिक इन हिज ओन इनइमिटेबल स्टाइल ही डज दैट हियर टू बट उनके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं बिकॉज इट्स अ सायराट रीमेक और जानवी कपूर और ईशान खट्टर स्टार किड्स कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट ही डज अ रियली गुड जॉब ऑफ स्पेशली एक्सट्रैक्टिंग एटलीस्ट ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेज आउट ऑफ बोथ ऑफ देम आई वुड से तो उस काउंट पे आई थिंक डायरेक्शन वाइज शशांक रियली प्रूव्स हिमसेल्फ वंस अगेन एंड ही गिव्स अस क्वाइट एन एंटरटेनिंग फिल्म ऑल इन ऑल धड़क वर्क्स बट नॉट एज अ कंपेरिजन टू सायराट बट एज अ स्टैंड अलोन फिल्म सो इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय धड़क watch it like that because also the lead pair of Sairat had the cover of anonymity that these two don't have they are so overexposed and they are so over publicized that it also sometimes becomes counterproductive so I think filmmakers should at some point see ke how much is too much well for me Dhadak is still an entertaining film I'm going with 3.5 stars